सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय साहब जी के दो सपुत्र से, वड्डे सपुत्र से बाबा राम राय जी, जो बहुत ही तीखण बुद्धि और बड़ी सियाणप और चलाक दिमाग वाले सन। दूसरे सपुत्र से श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी, तो दोवां सपुत्रां दे विचों गुरता गद्दी दे उपर विराजमान हुंदे है। छोटी उम्र दे विच 5 साल 3 महीने की उम्र दे विच गुरु हरकृष्ण साहब जी। वड्डे सपुत्र राम राय जी जिहड़े गुरता गद्दी दे उपर क्यों नहीं बैठते, क्योंकि उस वेले दिल्ली के तख्त के उपर बैठा सी अबू जफर मोहिद्दीन मुहम्मद औरंगजेब। तो औरंगजेब जिहड़ा सी उन्हें तख्त हासिल करन वास्ते बहुत सारे कतल किए सी, अपने भरावां नूं कतल किया, अपने पिता नूं जिहड़ा सी ओह कैद दे विच पा के प्यासा रख रख के मारिया, उन्हें अपनी भैन अपनी बच्ची तक दे उपर भी जिहड़ा ओह बहुत ज़्यादा जुल्म किया सी। तां औरंगजेब बादशाह ने गुरु हर राय साहब जी नूं सुनेहा भेजिया कि तुसीं दिल्ली की धरती दे उपर आओ, असीं तुहाडे नाल मुलाकात करनी चाहुंदे हाँ। तो गुरु हर राय साहब जी उस वेले दिल्ली की धरती ते आप नहीं जाते, उन्होंने अपनी जगह दे उपर अपने सपुत्र बाबा राम राय जी नूं भेज दिता, ते नाले कहा कि राम राय जी नूं कि गुरु नानक साहब जी का कृपा भरिया हाथ जिहड़ा उह तुहाडे सिर दे उपर है, तुसीं बादशाह दे कोलों डरना नहीं, बल्कि जो भी बादशाह पुछदा है बड़ी निडरता दे नाल उहदा जिहड़ा जवाब देना है। तां उस वेले दे नाल 14 साल की उम्र सी बाबा राम राय की, वह दिल्ली की धरती ते जांदे है, जाके औरंगजेब की तसली करा देंदे, हर सवाल का जवाब बड़ी सियाणप दे नाल देंदे है। तां जिस वेले दे नाल हर सवाल का जवाब देंदे आ ते सहजे सहजे बादशाह जिहड़ा उहदी कदर करन लग जांदा है, उहदा शाही स्वागत होण लग जांदा है, शाही महल्लां दे विच जो रहना शुरू करदे है, ते सहजे सहजे बाबा राम राय दे मन दे उपर वह शाही महल शाही स्वागत वह सारे का असर पैना शुरू हो जाता है। तो उत्थे जिहड़े काजी ते मुल्ला लोग सन उन्होंने भी इस गल की बड़ी नफरत हुंदी है कि बाबा राम राय औरंगजेब दे नेड़े हुंदा जा रहा, तो उन्होंने उस वेले एक सवाल किया, कहन लगे कि राम राय जी तुहाड़ी बाणी दे विच लिखिया है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार, घड़ भांडे इटा कियां जल्दी करे पुकार। तां इह मुसलमानां नूं माड़ा लिखिया है। जे बाबा राम राय जी जवाब देना चाहुंदे ते बड़ी सियाणप दे नाल जवाब दे सकदे सी, लेकिन उन्होंने मन में खुशामद आ गई, मन में डर बैठ गया कि जे मैं सही अर्थ कर दते तो औरंगजेब किधरे नाराज़ ना हो जाए। तो उन्होंने बड़ी चलाकी दे नाल किया, कहन लगे नहीं उत्थे लिखारी की गलती है, बल्कि उत्थे लिखा है कि मिट्टी बेईमान की। उन्होंने पावन गुरबाणी का वचन जिहड़ा सी शब्द जिहड़ा सी उन्हूं बदल दिता। तो वह जिहड़ा मिट्टी मुसलमान की उहदा भाव की है, उहदा भाव है कि मुसलमान लोग जिहड़े है जदों कोई जीव चढ़ाई कर जाए तो उन्होंने दफन कर देंगे, मिट्टी दे विच नप देंगे है। तो मिट्टी च नपण तो बाद सोचते हैं कि एक दिन क्यामत आएगी, फिर सारे मुरदे जिहड़े उठ पैणगे। गुरु नानक साहब महाराज इस गल ते तंज कसदे कि तुसीं कहिंदे हो अग विच सड़ना नहीं चाहिए, इस करके मिट्टी च नपदे हो, तो एक दिन वो मिट्टी जिहड़ी है उहनूं जदों उहदे विच उह जिहड़ा शरीर है रल जांदा है तो उहनूं कोई कुम्हार जां कोई जिहड़ा भांडे घड़न वाला खरीद लैंदा ते वो चीकनी मिट्टी के भांडे घड़े जाते हैं, इटा घड़िया जा, तो इटा जदों इटा जदों अग के उपर रख के पकाया जाता तो तुहाडी मेज जिहड़ी सड़दी पई है, तुसीं फिर अग तो किवें बच सकते हो। तो यह जिहड़ा जवाब सी ये देन तो बाबा राम राय जी जिहड़े सी उह डर गए, तो उन्होंने पावन बचन की पंक्ति जिहड़ी सी उहनूं बदल दिता। जिस तो बाद गुरु हर राय साहब नूं जदों पता लगा तो गुरु हर राय साहब ने कहा कि ये साडा पुत्र साडे मत्थे ना लगे, इहदा जिधर नूं मूँह है उधर नूं चलिया जाए। तो राम राय जी नूं उस वेले घर दे विचों सतगुरु ने छेक दिता सी। तां बाद विच औरंगजेब भी यही चाहुंदा सी कि गुरु घर दे विच जिहड़ा पाटक पाया जाए, तो उन्हें ये पाटक जिहड़ा सी उह पा दिता सी, दुफाड़ पा दिता सी, ते फिर उन्हें राम राय नूं जिहड़ा सी एक जगीर भी दित्ती, जिहड़ी देहरादून दी धरती दे उपर राम राय नूं जगीर मिलदी है। इस तरह के नाल गुरु हर राय साहब जी ने फिर अपने छोटे सपुत्र गुरु हरकृष्ण साहब जी ने गुरता गद्दी ते विराजमान करता, ते राम राय नू पावन गुरबाणी बदलन दे करके जिहड़ा घर दे विचों बेदखल कर दिता गया सी।